ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 6/9/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा। जो बुद्धिवानों की भी बुद्धि है, सर्व को सद्बुद्धि देते हैं, तो ऐसा मीठा बाबा हम बच्चों को भी विशाल बुद्धि बनाते हैं, अर्थात दुरादेश बुद्धि बनाते हैं, जिससे हम तीनों कालों को देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, दुरादेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है, सच और झूठ का कॉन्ट्रास्ट सिद्ध करके बतलाना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन सी बातें सिद्ध होती हैं? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर है, महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। नंबर दो, इसमें महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय और कौरवों की पराजय। नंबर तीन, महाभारत लड़ाई से ये सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा, जिसने रथ पर बैठकर ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राज योग सिखाया होगा, जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तो तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। गीत बजा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक है, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है, बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी है। नंबर दो है, लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रालब्ध ऊंच बनानी है। वरदान सतगुरु बाबा का, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में भी एक रस रहने वाले सर्व शक्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं कि एक बल और एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्व शक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में भी अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध, सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना, उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति
मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।